क्वेश्चन नंबर 35 है हम लोग का कि अ ब और स 3:2:1 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को उनका अग्रांकित आर्थिक चिट्ठा है, ये आर्थिक चिट्ठा दिया हुआ है। उसके बाद कहा है कि 1 अप्रैल 2016 को बी की मृत्यु हो गई। यह तय किया गया था कि पहला है कि संदिग्ध ऋणार्थ के प्रावधान को 2,000 रुपये से बढ़ाया जाए, फिर 2,200 रुपये का क्षति के लिए अदत्त दावा की व्यवस्था कीजिए, लेनदारों को 12,000 रुपये से घटाना है और ख्याति को अपलिखित करना है। हम ये करना है ए और सी का पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूशन अकाउंट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो क्वेश्चन में कहा है समायोजन में कि संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को 2,000 रुपये से बढ़ाया जाना है, यानी कि जो हमारे देनदार हैं 50,000 के, उन पे जो 6,000 रुपये की संचिति है, उस 6,000 की संचिति को हमें 2,000 रुपये और बढ़ाने हैं, यानी कि टोटल कितना करना है 8,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 2,000 बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2,000 रुपये दिखाएंगे, क्योंकि 2,000 से हमारे देनदार यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो डेबिट साइड में हमारा क्या हो जाएगा, 2 provision for bad debts, ठीक, कितना 2,000 रुपये से बढ़ाना है, तो 2,000 हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद है बोला है कि 2,200 रुपये की क्षति के लिए दायित्व की व्यवस्था करनी है, ठीक है, अदत्त दायित्व, अदत्त दावा की व्यवस्था करनी है। तो एक तरीके से अदत्त है, तो हमारे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी हम लोग कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में, तो हो जाएगा 2 outstanding liability for loss, क्षति के लिए है ना, कितना 2,200 रुपये। और तीसरा है कि लेनदार को 12,000 रुपये से कम करना है, तो लेनदार हमारे कम होंगे, तो एक तरीके से हमारे लिए ये प्रॉफिट हुआ। तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स, कितना 12,000 रुपये, ठीक। अब इसके बाद और भी और कोई ऐसी मद नहीं जो कि हमें इसमें दिखानी, तो हम टोटल करेंगे, तो टोटल हमारा 12,000 रुपये आएगा। क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा आ रहा है, ठीक, तो 12,000 में से हम लोग इस साइड का 4,200 रुपये माइनस करेंगे, तो 7,800 का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को सारे पार्टनर्स बांट लेंगे, तो हो जाएगा 2 profit transfer to all partners capital account, ठीक। कौन कौन से पार्टनर्स, ए बी सी। रेशियो क्या है, 3:2:1, तो 3:2:1 में जब 7,800 को बांटा जाएगा, तो ए के हिस्से में आएगा 3,900 रुपये, बी के हिस्से में आएगा 2,600 और सी के हिस्से में आएगा 1,300 रुपये, ठीक। तो ये था हम लोग का रिवर्स अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग सारे पार्टनर्स से कैपिटल दिखा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर बाई बैलेंस बी डी, कितना है कैपिटल, तो 80,000 ए का, 80,000 बी का और 60,000 रुपये सी का। उसके बाद तीनों पार्टनर्स का जो रिवैल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो दिखाएंगे, तो बाय रिवैल्यूशन अकाउंट कितना, 3,900 ए का, 2,600 रुपये बी का और 1,300 रुपये सी का। अब इसके बाद हमारे आर्थिक चिट्ठे में दायित्व पक्ष में सामान्य संचय दिया हुआ है 24,000 का, इस सामान्य संचय को भी हमारे तीनों पार्टनर्स अपने पीएल रेशियो में बांट लेंगे, तो हो जाएगा बाई जनरल रिजर्व। तो 24,000 को भी ये लोग 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो ए के हिस्से में आएगा 12,000, बी के हिस्से में 8,000 और सी के हिस्से में 4,000 रुपये, ठीक। अब इसके बाद जो लास्ट समायोजन है उसमें बोला कि ख्याति को अपलिखित कीजिए, ठीक है। तो ख्याति को अपलिखित करने का मतलब क्या होगा, कि हमें ख्याति को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा, तो हमारी जो संपत्ति साइड में ख्याति दी हुई है 20,000 रुपये की, ठीक है, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में 20,000 रुपये की ख्याति दी हुई है, तो इस 20,000 की ख्याति को जब तीनों पार्टनर्स अपने पीएल रेशियो में बांट लेंगे, तो हमारी ख्याति क्या होगी, अपलिखित हो जाएगी। अपलिखित हो जाएगी तो हम उसको नए बैलेंस शीट में अपने नहीं दिखाएंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, संपत्ति को डेबिट साइड में दिखाते हैं बांटते हुए, तो 2 goodwill हो जाएगा। अब 20,000 को ये लोग अपने पीएल रेशियो 3:2:1 के ही रेशियो में बांटेंगे, तो ए के हिस्से में आएगा 10,000, बी के हिस्से में 6,667 और सी के हिस्से में 3,333 रुपये, ठीक, ये आएगा। अब इसके अलावा और कोई भी मदें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखानी है, तो हम लोग टोटल करेंगे। तो जब हम लोग टोटल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बी का, क्योंकि बी क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी अवकाश ग्रहण नहीं कर रहा, उसकी मृत्यु हो रही है, तो बी का टोटल यहाँ पर जो है वो हो रहा है 90,600 रुपये, ठीक। तो 90,600 रुपये में से इसका डेबिट साइड का योग जो है 6,667 माइनस करेंगे, तो 83,933 रुपये बच रहे हैं, ये उसकी देय राशि है। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमें हेडिंग में दिया है कि जो देय राशि है उसे हमें क्या करना है, उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 bees एग्जीक्यूटर, यानी कि उत्तराधिकारी के खाते में, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक। तो ये बी का मामला खत्म हो गया, बचे ए और सी। तो ए का योग करेंगे, तो ए का योग हो रहा है टोटल 95,900 रुपये, ठीक, 95,900 रुपये, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, तो 85,900 रुपये ए का बच रहा है। सी का टोटल योग करेंगे, तो सी का है 65,300 रुपये, ठीक। तो 65,300 में से डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो बचेगा 61,967 रुपये, ठीक। तो ये हो जाएगा इन लोग का बैलेंस सीडी। बस इतना ही हमें पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना था। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आते हैं सबसे पहले लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स दिखाए जाएंगे सबसे पहले,
क्रेडिटर्स हमारे पहले थे 60,000 के, जिसमें से कि हम लोगों को 12,000 के क्रेडिटर्स का करना था, माइनस करना था। तो अब हमारे क्रेडिटर्स कितने के हो गए, 48,000 रुपये के। उसके बाद देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल कितने का, 32,000 रुपये का। सावार के संचय हम लोगों ने बांट लिया है, तो अब आएगा कैपिटल। कैपिटल जो है ए और सी का, तो ए का कैपिटल था 85,900 रुपये बैलेंस सीडी बचा था, और सी का 61,967। इस हिसाब से टोटल कैपिटल जो है वो 147,867 रुपये होता है। ठीक, उसके बाद बी का एग्जीक्यूटर का जो देय राशि है, जैसे हम लोग 20 लोन हम लोग दिखा रहे थे, वैसे यहाँ पे बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट दिखाएंगे कितने का था, तो 83,933 रुपये का। फिर उसके बाद समाजन में आउट स्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर लॉस था कितने का, 2,200 रुपये का। ठीक, अब इसके बाद एसेट साइड में आएंगे, तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारा है कैश, जो कि है 36,000। कैश में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। देनदार डेटर, टोटल डेटर हमारे हैं 50,000 के। संचिति बोला था जो प्रोविज़न था वो 6,000 का माइनस हुआ है, जबकि बोला कि 2,000 और बढ़ाना, यानी कि अब हम लोग माइनस करेंगे कितना, 8,000। ठीक, तो अब हमारे जो डेटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 42,000 के। उसके बाद रहतिया है यानी कि स्टॉक 36,000 का है, फर्नीचर 60,000 का है, और मशीनरी 1,40,000 की है। ठीक, बस अब इसके अलावा ख्याति तो अपलिखित हो चुकी, उसे दिखाएंगे नहीं, टोटल करेंगे। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो दोनों साइड का जो योग है वो आएगा 3,14,000 रुपये। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग कहा कि जसवंत, काजी और चिरंजी एक फर्म के साझेदार थे, वे 4:3:2 के समानुपात में लाभालाभ बांटते थे। उनका आर्थिक चिट्ठा 30 जून 2016 को, जिस दिन जसवंत की मृत्यु हुई, निम्नांकित था। यह आर्थिक चिट्ठा है। उसके बाद कहा कि साझेदारी अनुबंध के अनुसार जसवंत का उत्तराधिकारी निम्नलिखित पाने का अधिकारी था। पहला, जसवंत के पूंजी खाते का शेष और सामान्य संचय में हिस्सा। दूसरा, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के लाभ के बराबर होगा। पिछले 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 30,000, 45,000 और 60,000 रुपये था। उसके बाद 30 जून 2016 को पुनर्मूल्यांकन पर भूमि, मशीनरी, फर्नीचर और रहतिया की राशि क्रमशः 65,000, 80,000, 3,000 और 21,000 रुपये हो गई। देनदारों पर 10% का प्रावधान किया गया था। कांजी और चिरंजी का पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और आर्थिक चिट्ठा हमें बनाना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो हमारे समायोजन नंबर सी में बोला है कि 30 जून 2016 को पुनर्मूल्यांकन पर भूमि का जो मूल्य है वो कितना हो गया है, 65,000 रुपये हो गया है, जबकि आर्थिक चिट्ठी में हमारी जो भूमि है वो कितने की है, 32,000 रुपये की, यानी कि हमारी भूमि के मूल्य में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई भूमि यानी कि लैंड कितना हुई है, तो 65,000 की भूमि अभी है और पहले कितने की थी, 32,000 की, यानी कि 33,000 रुपये की बढ़ोतरी भूमि के मूल्य में हुई है। उसके बाद हमारी मशीनरी का मूल्य हमारे हो गया 80,000, जबकि आर्थिक चिट्ठे में मशीनरी हमारी जो है वो 20,000 रुपये की है, यानी कि हमारी मशीनरी के मूल्य में भी 60,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो इसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, बाई मशीनरी और यहाँ पर 60,000 रुपये। फिर आता है फर्नीचर, तो फर्नीचर का नया मूल्य है 3,000, जबकि पुराना मूल्य कितना है, 1,000 रुपये, यानी कि फर्नीचर के मूल्य में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग 2,000 रुपये दिखा देंगे। लास्ट में है हमारा रहतिया का नया मूल्य है 21,000, जबकि इसका पुराना मूल्य जो है वो है 16,000, यानी कि रहतिया के मूल्य में भी 5,000 की बढ़ोतरी हुई है। तो हो जाएगा बाई स्टॉक कितना, 5,000 रुपये। फिर लास्ट में बोला है कि देनदारों पर 10% का प्रावधान करना है, और हमारे देनदार कितने के, 10,000 रुपये के। तो 10,000 रुपये का 10% कितना हुआ, 1,000, और प्रावधान का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे देनदार कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हो जाएगा 2 प्रोविज़न फॉर डेटर कितना, 1,000 रुपये। ठीक, अब इसके अलावा इसमें और कुछ हम लोग दिखाएंगे नहीं, तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटल हम लोग करेंगे तो हमारा क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है कितना है, 1,00,000 रुपये है। यहाँ पर भी हम लोग 1,00,000 रुपये दिखा देंगे। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,00,000 में से 1,000 गया, तो 99,000 रुपये का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। इसको सारे पार्टनर्स बांट लेंगे, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, तो जसवंत हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, काजी और चिरंजी। ठीक, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका जो रेशियो है वो क्या है, 4:3:2। तो 4:3:2 में ये लोग क्या करेंगे, ये 99,000 को बांटेंगे। तो जसवंत के हिस्से में आएगा 44,000, काजी के हिस्से में आएगा 33,000, जबकि चिरंजी के हिस्से में आएगा 22,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक, तो ये था हमारा सिंपल सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, अपने सारे पार्टनर्स के पहले से जो उनकी कैपिटल है उन्हें। तो यहाँ जगह बाई बैलेंस वीडी, तो जसवंत का कैपिटल है 27,000, कांजी का है 24,000 और चिरंजी का है 13,000 रुपये। ठीक, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जाएगा, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 44,000, 33,000 और 22,000 रुपये। ठीक,
उसके बाद सामान्य संचय दिया हुआ है हमारे आर्थिक चिट्ठा में, तो भाई जनरल रिजर्व कितने का है, 9,000 रुपये का है। उस 9,000 को ये तीनों ही अपने 4:3:2 के रेशो में बांटेंगे। तो जसवंत के हिस्से में आएगा 4,000, पाजी के हिस्से में आएगा 3,000 और चिरंजी के हिस्से में आएगा 2,000 रुपये। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ख्याति की। तो हमारे समाज ने बोला कि ख्याति का जो मूल्यांकन है वो पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ फर्म की गुडविल हमें यहाँ पे निकालनी होगी, हमें दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले औसत लाभ के आधार पे निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग औसत लाभ निकालेंगे। तो 3 साल का औसत लाभ कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा ये 3 साल का हो गया और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 3। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 135,000 रुपये। ठीक, 135,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हो रहा है अपॉन 3। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 45,000 रुपये का। ठीक, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल क्या है कि औसत लाभ के 2 गुने के आधार पे। तो औसत लाभ का 2 गुना कितना हो गया, 90,000 रुपये। यानी कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 90,000 रुपये। अब इस 90,000 रुपये टोटल गुडविल है, इसमें जसवंत का हम लोग हिस्सा देखेंगे। तो हो जाएगा जसवंत शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो जसवंत का शेयर कितना है, 90,000 का, वो 3/9 लेने का अधिकारी है। इस हिसाब से उसका गुडविल जो बन रहा है वो बन रहा है 40,000 रुपये। ठीक, इस 40,000 को जो हमारे कांजी हैं और चिरंजी हैं ये लोग अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। हालांकि गेनिंग रेशियो के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, तो कांजी और चिरंजी का जो बचा हुआ रेशियो बच रहा है वो क्या हो रहा है, 3:2 का, उसी रेशियो में कांजी और चिरंजी इसे देंगे। तो हो जाएगा गिवन बाई कांजी और गिवन बाई चिरंजी। ठीक, क्या गिवन बाई गुडविल, ठीक है, गुडविल देगा ज़्यादा कितना, तो 40,000 का 3/5 इन लोगों का बचा हुआ रेशियो बच रहा है, तो 24,000 रुपये काजी देगा और 40,000 का 2/5 यानी कि 16,000 रुपये चिरंजी देगा। ठीक, तो यहाँ पे पार्टनर सर्कल अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी एंट्री हमारी हो जाती बाई काजी और बाई चिरंजी, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि टू जसवंत। कितना, तो काजी का है 24,000 और चिरंजी का है 16,000 रुपये। ठीक, यहाँ पे काजी के कॉलम में 24,000 और चिरंजी के कॉलम में 16,000 रुपये हम लोग दिखा देंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे और कुछ जाएगा नहीं, तो हम लोग टोटल करेंगे। तो जब हम लोग टोटल करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि सबका क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग जसवंत का देख रहे थे, तो जसवंत का टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 115,000 रुपये। ठीक, जो 115,000 रुपये हो रहा है जसवंत का, उसमें से इसका तो कुछ माइनस होगा नहीं, तो टोटल 115,000 जो है वो इसके उत्तराधिकारी के खाते में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा टू जसवंत एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक, 115,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हेडिंग वही थी। ठीक, फिर बच्चे काजी और चिरंजी, तो इनका जो होगा टोटल, काजी का है 60,000 रुपये और चिरंजी का है 37,000 रुपये। तो यहाँ पर कांजी का बैलेंस सीडी जो बचेगा, टू बैलेंस सीडी, 60,000 में से 24,000 टोटल माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 36,000 रुपये। और चिरंजी का 37,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 21,000 रुपये। ठीक, तो ये इन लोगों का कैपिटल बचा हुआ रहेगा। तो ये था हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड आते हैं हम लोग। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमारा दिया हुआ बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक ओवर ड्राफ्ट कितने का, 5,000 रुपये का। ठीक, उसके बाद लेनदार हैं यानी कि क्रेडिटर्स दिए हुए हैं जो कि हैं 2,000 रुपये के। इसके बाद कैपिटल दिखाएंगे हम लोग, तो कांजी का और चिरंजी का, तो कांजी कैपिटल है 36,000 और चिरंजी का है 21,000 रुपये। टोटल कैपिटल कितना हुआ, 50,000 रुपये का, सॉरी 57,000 रुपये का। ठीक, इसके बाद जो जसवंत का एग्जीक्यूटर है, जसवंत एग्जीक्यूटर जो है उसका दिखाएंगे कितना है, तो उसका 115,000 रुपये। योगा लाइब्रेटी साइड, एसेट साइड में चलेंगे। तो एसेट साइड में सबसे पहले है कैश 1,000 रुपये, देनदार डेटर हमारे 10,000 के थे जिसमें से कि 1,000 का प्रोविज़न हम लोग कर दिए, तो अब हमारे डेटर जो हैं वो कितने के हो गए, 9,000 के। रहतिया यानी कि स्टॉक का नया मूल्य 21,000 रुपये था। भूमि यानी कि लैंड का नया मूल्य 65,000 रुपये। मशीनरी का नया मूल्य 80,000 रुपये और फर्नीचर का नया मूल्य 3,000 रुपये था। ठीक, तो ये हमने सारी चीज़ें दिखा दी, टोटल करेंगे तो हमारा दोनों साइड का जो टोटल है वो आएगा 179,000 रुपये।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आई होप कि आप लोग को दोनों ही क्वेश्चन हमारे काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।